हेलो गाइस, मैं रश्मि हाजिर एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बेसन और चूड़ा का बहुत ही टेस्टी पकौड़ी का रेसिपी। और ये वीडियो देखने के बाद आप एक बार जरूर चाहेंगे बनाना। तो पूरी वीडियो देखने के लिए बने रहना होगा खाना का जाना भाई रश्मि के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिया मैंने एक छोटी कटोरी बेसन, फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा हरी धनिया और आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा ही चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और नमक। और फिर हम इन सबको थोड़ी देर फेंट लेंगे और थोड़ी देर के लिए रख देंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटी कटोरी दही, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे एक बड़ी कटोरी चूड़ा, और फिर हम इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। और फिर हम इसमें अगेन डालेंगे बारीक कटी हुई धनिया, हरी मिर्ची और प्याज, और फिर हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देंगे करीबन एक मिनट के लिए। और फिर जब अच्छी तरीके से फूल जाएगा तब हम इसे फ्राई करेंगे गरम तेल में। तो कढ़ाई चढ़ा दिया है मैंने गैस पे और तेल अच्छी तरीके से गरम हो गया है। आप इसे कोई सा भी शेप दे सकते हो। इसको मैंने पहले गोल किया था और फिर फ्लैट कर दिया था। अब मैं इसको डाल रही हूँ तेल में, और ये जब नीचे की साइड अच्छी तरीके से पक जाएगा तभी हमें इसको पलटना है। और गैस की फ्लेम को हमें रखना है मीडियम, और हाई बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जब ये नीचे के साइड से अच्छी तरीके से पक जाए तब हमें एक कलछी लेनी है और उसकी मदद से हमें इसे पलट देना है। आप चाहे तो चम्मच की मदद से भी इसे पलट सकते हैं। तो बस अब हमें दूसरे भाग को भी अच्छी तरीके से पकाना है और फिर हम इसे करेंगे क्रिस्पी। तो हमें इसको पलट पलट के दोनों साइड अच्छी तरीके से गोल्डन कलर में और क्रिस्पी कर लेना है, जिससे हम चाय के साथ इसे खाएं तो ये क्रंची और क्रिस्पी रहे और खाने में टेस्टी लगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका कलर हो गया है बिल्कुल चेंज और ये गोल्डन ब्राउन कलर में आ गया है। अब हमें इसे करना है तेल से बाहर और फिर ये रेडी है खाने के लिए। और अगर आपको ये पकौड़ी की रेसिपी पसंद आई है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चाय के साथ इसको बनाइएगा, खाइएगा, इंजॉय करिएगा पूरी फैमिली के साथ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।